कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे बोल। आई एम निधि महाजन एंड आई एम फ्रॉम गुरदासपुर। आई सर्व एज अ टीचिंग फैकल्टी इन अ मैनेजमेंट कॉलेज। आज मैं सबके साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। इफ़ आई लुक बैक टू माई चाइल्डहुड तो मैं बचपन से ही डिवोटी हूँ। रीजन बीइंग कि मेरे मदर एंड मेरे ग्रैंड मदर दोनों ही डिवोटी थे। सुबह उठ के पाठ करना, मंदिर जाना, जोत जगाना, ये उनकी दिनचर्या थी और ये हैबिट्स मेरे अंदर भी उन्हीं के थ्रू इनकलकेट हुई। इस तरह से लाइफ चलती रही और मेरी शादी हुई, शादी के बाद भी ऐसे ही चलता रहा। सब कुछ था मेरी लाइफ में, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती थी कि भगवान ने मुझे हर तरह की मटेरियल हैप्पीनेस के साथ फुलफिल किया था। अगर मैं अपने मैटर्नल हाउस की बात करूं तो वहां पे भी किसी भी मटेरियल फैसिलिटी की किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो अगर उसके बाद शादी के बाद मुझे एक बहुत ही प्यार करने वाला परिवार मिला एंड परिवार के साथ साथ वहां पे भी मटेरियल हैप्पीनेस से मैं फुलफिल्ड थी, मुझे हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, तो इस तरह से मैं अपने आप को बहुत लकी समझती थी। सब कुछ होते हुए भी लेकिन एक लाइफ में हॉलोनेस ज़रूर थी, एक कमी सी खलती थी, एक खालीपन सा था। छोटी छोटी बातें मेरे मन को लग जाती थी, छोटी छोटी बातों पे मैं रोना शुरू कर देती थी। मुझे जरा सा कोई कुछ कह देता था तो मैं तीन तीन चार चार दिन उसी चीज़ को लेके सोचती रहती थी। तो मेरी लाइफ में इन्हीं चीज़ों को लेके मैं परेशान रहती थी एंड समटाइम्स मैं ये भी सोचती थी कि मेरे लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी मैं परेशानी मुझे क्यों है, तो मुझे इस चीज़ का आंसर नहीं मिल पाता था। फिर मुझे नीलम आंटी जी ने भगवद गीता के बारे में बताया एंड उन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा। तो गोलोक एक्सप्रेस में मैंने सबसे पहले भगवद गीता की रीडिंग नितिन जी के साथ स्टार्ट करी। दैट वाज अ टाइम ऑफ 2018 जब मैंने फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट करी भगवद गीता की। तो उसके ड्यूरिंग सबसे पहले तो मेरी लाइफ में मुझे बहुत थोड़े दिनों में ही, थोड़े टाइम में ही मुझे बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल फील होना शुरू हो गया। लाइक मुझे सबसे पहले मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जो होली बुक्स होती हैं इनको जस्ट रीडिंग नहीं करनी होती। लाइक इट वाज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं पहली बारी कोई बुक ऐसी पढ़ रही थी, होली बुक पढ़ रही थी। मैंने पहले भी बहुत सारी होली बुक्स पढ़ रखी थी, लाइक मैंने रामायण पढ़ रखी थी, भगवद गीता इट सेल्फ, शिव पुराण, श्रीमद भागवतम, ये सब होली बुक्स मैंने पहले पढ़ रखी थी। लेकिन इससे पहले जब भी मैं कोई बुक होली बुक पढ़ती थी तो मेरा मोटिव सिर्फ यही होता था कि आई हैव स्टार्टेड इट एंड नाउ आई हैव टू कम्प्लीट इट। इससे ज़्यादा उसके अंदर क्या लिखा है, क्या कहा जा रहा है, इस चीज़ से ना तो कोई मतलब था, ना ही कभी कुछ सोचा था और ना ही कभी जानने की कोशिश की। लेकिन अब मुझे ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि ये जो इनके अंदर लिखा होता है ये वर्ड्स नहीं होते, ये टीचिंग्स होती हैं जिनको हमें अपनी लाइफ में ढालना होता है। तो इस तरह से मैंने भगवद गीता की रीडिंग के दौरान मुझे अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्लिसफुल फील होना शुरू हुआ। फ्रेंड्स, उसके बाद 2020 में मैंने सेकेंड रीडिंग निखिल जी के साथ करी। इस रीडिंग के दौरान मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि नॉर्मली हम कोई अगर बुक पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कॉमिक बुक या कोई नॉवल पढ़े, तो उसकी एक बार रीडिंग करके हमें सेकेंड रीडिंग वो बोरिंग लगती है। लेकिन भगवद गीता के केस में ऐसा नहीं था। इट वॉज जस्ट लाइक डीप डाइव इन द ओशन। जैसे समुंदर में डीप डाइव करने पे खजाना मिलता है, तो भगवद गीता की भी रीडिंग जब हम टाइम एंड अगेन करते हैं तो हमें एक नया ही ब्लिस, हर टाइम अलग ब्लिस फील होता है। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी। इसके साथ साथ मैंने अपनी लाइफ में और भी डिवोशनल एक्टिविटीज़ ऐड ऑन करी, जैसे कि मैंने चैंटिंग स्टार्ट करी, मैंने भगवान को भोग लगाना स्टार्ट किया, मॉर्निंग में ऑनलाइन सत्संग ज्वाइन करने स्टार्ट करे। तो जिस जैसे जैसे मैंने अपनी डिवोशनल एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में ऐड ऑन करी, साथ साथ में मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी फील होनी शुरू हुई। जैसे ही मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ी तो मेरी डिवोशनल एक्टिविटीज़ और बढ़ी, डिवोशनल एक्टिविटीज़ और बढ़ी तो पॉजिटिविटी और बढ़ी। तो इस तरह से मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी और डिवोशनल एक्टिविटीज़ का एक विशेष सर्कल चला। इसके साथ साथ मैंने अपने लाइफ में और भी बहुत सी चेंजेस फील करी, जैसे कि मैंने पहले जो मेरा एक्सपेक्टिंग बिहेवियर था वो अब मेरा एक्सपेक्टिंग बिहेवियर नहीं रहा, अब मेरा बिहेवियर जो था वो एक्सेप्टिंग बिहेवियर हो गया था। पहले मुझे लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती थी लेकिन अब मैंने एक्सपेक्टेशंस लगानी बंद कर दी। उसके साथ साथ मुझे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुझे दूसरों की बातें बड़ी जल्दी चुभ जाती थी और मैं बहुत ज़्यादा उसको सोचती थी,
तो अब मुझे ये रियलाइज हो गया कि जो मेरे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, मुझे जो भी कुछ दुख हो रहा है, इसमें रीजन कोई सेकंड पर्सन नहीं है, इसका रीजन मेरे खुद के ही पास्ट कर्मज है, खुद के ही बीज हैं जो मैंने पहले बोए हुए हैं, मैं उसी का फ्रूट खा रही हूँ। तो मतलब मैंने दूसरों को जो ब्लेम होता था वो करना बंद किया, और उसका जो रीजन था वो मुझे पता चला, जिसकी वजह से अब मैं उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दिया और मुझे नॉर्मल लगना शुरू हो गया। तो इस तरह से मेरे बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हुए। मोरओवर, मुझे पहले लगता था कि मैं डिवोशन के लिए टाइम नहीं निकाल सकती। मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मुझे जॉब पे जाना होता है, जॉब से आके मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, तो इसलिए मेरे पास डिवोशन के लिए टाइम नहीं है, मुझे इस तरह की फीलिंग आती थी। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के ABCD मॉडल का अध्ययन करने के बाद मुझे ये पता चला कि डिवोशन के लिए हमें कोई सेपरेट टाइम निकालना नहीं पड़ता, हमें खुद की डे टू डे एक्टिविटीज़ में से अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को रिकॉग्नाइज करना होता है और उसी को हमें अपने डिवोशन के साथ रिप्लेस करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं मॉर्निंग में लेट उठती थी, तो मैंने अब जल्दी उठना शुरू किया और उस टाइम पे मुझे मैंने सत्संग लगाना शुरू किया। शाम को मैं डेली फेसबुक पे चैटिंग वगैरह करती थी, ऑनलाइन चैटिंग करती थी, फ्रेंड्स को फ़ोन करके कितनी कितनी देर बात करती थी, मोरओवर मैं सीरियल्स देखती थी। तो ये सारी की सारी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ मैंने अपनी लाइफ की रिकॉग्नाइज करी और मैंने इन एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ से बिल्कुल धीरे धीरे कट ऑफ कर दिया। तो अब इन सब चीज़ों की जगह पे मैं डिवोशनल एक्टिविटीज़ करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब फेसबुक नहीं चलाती या व्हाट्सएप नहीं चलाती या चैटिंग नहीं करती, लेकिन जो मेरा फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह चलाती हूँ तो उनको मैं डिवोशनल एक्टिविटीज़ के लिए ही चलाती हूँ। तो इस तरह से डे बाय डे मैंने इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया। तो मोरओवर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ें हमारी प्रायोरिटी होती हैं उनके लिए हम लोग टाइम निकाल ही लेते हैं, तो अगर हम लोग डिवोशन को अपनी प्रायोरिटी बना लें तो हम उसके लिए भी टाइम निकाल ही लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने डिवोशन को अपनी लाइफ में जैसे जैसे ऐड ऑन करती गई तो डेफिनेटली डिवोशन मेरी प्रायोरिटी बनती गई। तो जैसे ही डिवोशन प्रायोरिटी बन गई तो आज मैं डिवोशन के लिए बड़े आराम से टाइम निकाल रही हूँ और बहुत ही अच्छे से मुझे डिवोशन करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती थी कि भगवान ने मुझे हर तरह की मटेरियल फैसिलिटीज़ के साथ संपन्न किया था, लेकिन अब मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे भगवान जी ने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं घर पे बैठे बैठे ही सत्संग सुन सकती हूँ, सत्संग का आनंद ले सकती हूँ, जो कि शायद अगर मुझे बाहर जाना पड़ता तो ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल थी ही नहीं। यहाँ पे बहुत ही आसान ढंग से भगवद गीता के श्लोक का अपनी डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिकलिटी के साथ रिलेट करके अध्ययन कराया जाता है। इन सब के लिए सबसे पहले तो मैं भगवान श्री हरि का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि भगवान ने मुझे अपनी भक्ति के लायक समझा और मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा और मुझे अपनी लाइफ का रियल मोटिव और उस मोटिव को अटेन करने के लिए डायरेक्शन का पता चला। उसके बाद मैं गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी, को फाउंडर नितिन जी और प्रीति जी का और अपने मेंटर नीलम आंटी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये चीज़ उनके बिना कभी भी पॉसिबल नहीं थी। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी लाइफ में रियल पीस एंड रियल हैप्पीनेस को फील करना चाहते हो तो डिवोशनल एक्टिविटीज़ को ऐड ऑन करके भगवान के साथ जुड़ो। इसके बाद मैं यही कहूँगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल।